उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लाकड़ी फाजलपुर थाना मझौला में युवती को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और आए दिन मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आज प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। जहां एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला शक्ति जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो वहीं ससुराल वाले लड़कियों पर अत्याचार से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन किसी न किसी बात पर ससुराल वाले बहुओं को प्रताड़ित करते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के लाकड़ी फाजलपुर थाना मझौला का सामने आया है, जहां शिखा नाम की युवती का विवाह 12 साल पहले वीरेंद्र निवासी बागड़पुर से हुआ था। शिखा की ससुराल वाले पति, सास, ससुर, देवर, ननद दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और मारपीट करते हैं, और जब पीड़िता ने अपनी आपबीती अपने मायके में बताई तो मायके वाले पीड़िता के ससुराल पहुंचे, जहां घर वालों को शिखा से मिलने नहीं दिया और घर वालों के साथ ससुराल वालों ने मारपीट करनी शुरू कर दी। तो वहीं आज पीड़िता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। क्या नाम आपका? ओमवती। ओमवती जी, किसने आई है? मैम, मेरी लड़की जहर देख मारी गई है। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था, पैसे मांगे कर रहा हर रोज। अभी 3-4 दिन पहले गाड़ी खरीदी है 4 पहियों की, 50,000 रुपये तो मैंने दे दे और मांग रहा था। लड़की से कह रहा और लेके आया, 50,000 की मैंने किस्त सोनाटा कंपनी से लेके दी। फिर अब और पैसे मांग रहा था, वो कह रही मैं मेरी मम्मी कहाँ से दे, मैं विधवा औरत हूँ, बाप उसके ख़त्म हो गए, भैया मजदूर हैं। अब इसी बात पर तो कभी रोटी में नगले निकाले करे, कभी काई में। अब वो बोली के लोग खा लो रोटी, तो रोटी फेंक के मारी या तो पैसे ला कर दे या रोटी फेंक दी उसके ऊपर को। फिर डंडा लेके गया मानने को, तो डंडा उनने पकड़ लिया। उसके बाद में फिर ईंट मारी उसके फेंक के, तो ईंट उसके मेरी लड़की के लगी हुई है। उसके बाद इन्हें थाने आया, थाने आकर उसमें बागबड़ा थाने में पैसा भर दिया। हम बतेरे हुआ झिझके सारे जने, बतेरी कोशिश करी, हमारी रिपोर्ट लिख लो, बोले रिपोर्ट एक बार लिख गई अब नहीं लिखेंगे हम कुछ भी। फिर हमारी सुनवाई नहीं करी, उन्होंने पैसा भर दिया, जने कितना पैसा भरा कोई पता नहीं हमें। थाने वालों ने ये कह दिया हमने रिपोर्ट लिख ली, पहुंच जाएगी पुलिस तो उनके घर। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। मेरी लड़की कोस मोस में पड़ी है ऐसी डेड बॉडी। हाँ, हत्या सास ने, सुसन ने और उसके आदमी ने और देवन ने और नंद ने, तीनों ने मिलकर मेरी लड़की, मैंने 1 घंटे पहले बात करी, 2 घंटे पहले मेरी लड़की बोली, मैं बोली लड़की बेटा ऐसा कुछ मत कर लिए, बेटा मम्मी तुम पागल हो रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। इनने पैसा भर के उसके बाद जहर दिया मेरी लड़की को घर में बंद करके कमरे में। बुआ को उसने बताया अपनी, उसकी बुआ ने अपने भतीजों को फ़ोन करा कर भैया ऐसा ऐसा हो गया तुम कहाँ हो। फिर खुद ने भी फ़ोन नहीं करा, उसकी लड़की ने फ़ोन करा मेरे उसके अपने मामा को। ना ना ना, हमारे ना लिखी उल्टे सीधे लिखवा ली, जैसे ये इसे पता चली ये आया थाने, पहले घर गया तो घर उसकी माँ मानने पड़ी, इसे मानने लिपट गई, यूँ भाजी आया वहाँ से, यूँ फिर थाने आया, थाने आकर जैसे इससे कह दी वैसे लिख दिया इनने। अब यह मुझे तो मालूम ना, मैं इतनी वो जानती नहीं। हाँ, कचहरी आई हुई एसपी साहब से, एसएसपी साहब से। मैं अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने आई हूँ, मेरे मुझे न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? कुछ और करूँगी, फिर कुछ तो करूँगी, जो बस की बात होएगी, अपने हाथ पैर काट कर रख लूँगी यहीं कोई, और क्या करूँगी। जब मेरी बेटी गई तो मैं भी चली जाऊँगी। थाने वाले जो है पाकुड़ा वाले मिले हुए? मिले हुए हैं, वो पैसा भरा हुआ 4-5 बार चली गई थाने में, हर बार पैसे भरता है, हर बार वो कर ले मैं वो। हाँ, भगा दे मैं, कहते हैं चले जाओ यहाँ से जाओ तुम, वो ये है और वो दुनिया भर की हमें बातें पढ़ा देते हैं। एक बार रिपोर्ट हो गई, दोबारा कौन कर रहा है तुम्हारी रिपोर्ट? मेरा नाम जो है भगवती प्रसाद है। ये मामला जो है, मैं लड़की का मामा हूँ और पिछले 12 साल पहले लगभग शादी हुई थी भांजी की हमारी, हमने पूरा जो है दान दहेज देकर शादी करी, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू जो है उसको जो है मानसिक और शारीरिक जो है उत्पीड़न किया। कई बार पंचायत के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से जो है मैटर को सुलझाने की कोशिश करी, लेकिन कोई पुलिस ने कोई खास कार्रवाई ना करी। अगर शायद ही समय से कोई कार्रवाई की होती तो आज ये नौबत नहीं आती है। कल का घटनाक्रम जो है ऐसा है कि लगभग 6 बजे के करीब जो है ये मेरा भांजा है, इसके पास फ़ोन आया था। दिन में भी जो है इसकी माता जी से बात हो रही थी लड़की की,
कि बोले मम्मी मुझे मारा है कई बार इसने, डंडे से मारा है, ईंट मारी है, ऐसा करा है वैसा करा है। सारे लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे, बोले बेटा ऐसा है, ठीक है जो है हम कुछ करते हैं। फिर शाम को जो है लगभग 6 बजे इसके पास जो है इसकी बुआ हैं माया देवी, उनके पास फ़ोन आया था। उस लड़की ने जो है फ़ोन करके बुआ को ये बताया, बोले बुआ जी मुझे जो है मारा है, पीटा है इन्होंने बहुत बुरी तरह, ठीक है, और मैं जो है चलने फिरने में ऐसा है हूँ, नीचे से ताला लगा दिया है और कमरा बंद कर दिया है, और मुझे कुछ जहरीला पदार्थ जो है खिलाया गया है। अब मुझे जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और मैं सांस लेने में दिक्कत है मुझे और समस्याएँ हो रही है। जब इसकी बुआ ने जो है इसको मेरे भांजे को जो है बताया कि बोले भाई जो है ऐसे ऐसा जो है घटना बताई है उसने मुझे, उसने सिखाने जो मेरी भांजी है, फिर ये जो है भागा भागा वहाँ गया। माता जी जो है इसकी जो है खेत में काम कर रही थी, वहाँ जाकर जब पता लगाया तो जो है इसके साथ मारपीट करी गई, इससे बहन से मिलने नहीं दिया गया। ये फिर वहाँ से भागा भागा जो है पागड़ा थाने में आया। पागड़ा थाने में जो है मानसिक संतुलन खो चुका था अपना, क्योंकि जब बहन की जो है घटना की जो है खबर सुनी इसने कि वो जो है मर गई है या ये हुआ है, फिर उसके बाद जो है उन्होंने तोड़ मरोड़ के जो है जो एक्चुअल इंसिडेंट था उसको तोड़ मरोड़ के जो है पुलिस ने जो है वो तहरीर लिखाई। इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो है चौथी पांचवी तो पढ़ा लिखा है ये, जैसा जो है दबाव में आगे ने लिखा, लेकिन मेरे हिसाब से पूरा जो है उन्होंने पुलिस ने जो है घटनाक्रम को जो तोड़ मरोड़ के जो पेश किया गया है ताकि जो है मुलजिम को जो है बचाया जा सके। उसके बाद जो है फिर ये बेचारा जो है सिविल अस्पताल आया, कि वहाँ शायद वहाँ चली गई हो, वहाँ से पता लगा कि कॉस्मोस में ले गया, कॉस्मोस में जाके उसकी जो है मृत्यु हो गई। थाने के बाद उसके बाद जो है हम थाने में गए कि अब मैंने उनसे जाकर खुद थाने में जो है सिपाही लोग थे वहाँ पे, मैंने उनसे कहा आप तहरीर की कॉपी दिखाओ मुझे क्या है। किसी ने भी कोई तहरीर की कॉपी नहीं दी हमें, बोले नहीं जो है आपको मुकदमा दर्ज हो गया है, मुकदमा दर्ज हो गया। मैंने कहा मुकदमे की कॉपी दिखा दो मुझे। मैं लगभग 9 बजे थाने पहुँचा था और जो है मुकदमे की कॉपी जो है मेरे पास है जो है एफ आई आर की, जो कि लगभग जो है 11 बजे जो है FIR कॉपी दी है और हम 9 बजे से कंटिन्यूस कह रहे हैं कि आप हमें FIR कॉपी दो, लेकिन हमें उसकी तहरीर की कॉपी दो, तहरीर कॉपी हमें नहीं दी गई, ठीक है। उसने पूरा जो है गोलमोल झमेला किया गया है, ठीक है, तथ्यों को जो है छुपाने की कोशिश करी गई है। पुलिस ने अपना कार्य जो कार्य है वो थाने पागड़े ने जो है अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करके जो है आगे पेश किया है FIR में, और जो वास्तविक धाराएँ लगनी चाहिए थी वो धाराएँ जो है इसमें नहीं लगाई गई है। मेरे हिसाब से जो है मुकदमा जो मुद्दा है ये जो है हत्या का है, ठीक है, हत्या का है, दहेज हत्या का है, उसको जो है मारा गया है, 12 साल से जो है उत्पीड़ित थी। ये जो है मेरी बहन है, ये विधवा है, जो मेरे जो बहनों हैं अभी जो है 6-7 महीने पहले ख़त्म हुए हैं बेचारे। ये जो है मेरे भांजे लोग हैं, ये मजदूर किस्म के लोग हैं, तो वो लोग जो है लड़का पक्ष जो है वो काफ़ी मजबूत है, पैसे से सक्षम है, तो पैसे के दबाव में आकर जो है उन्होंने जो है ये सब जो है अपना, हाँ, थाने से जो है कई बार जो है मैं भी गया हूँ बीच में, कई बार जो है झगड़े हुए हैं, कई बार हम गए, लेकिन थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक, ठीक है, कि ना कोई उनका अरेस्ट हुआ है, ना कभी उनसे कुछ राइटिंग में कुछ जो है उनसे लिया गया है डॉक्यूमेंट कुछ, कि ताकि कोई भाई आगे घटना ना हो सके। अब हम जो है SP साहब के ऑफिस में आए हुए हैं, अपनी जो है भाई उम्मीद लेकर आए हैं कि जो है हमारी न्याय मिले, और जो हमारी लड़की जो है बेचारी जो है आज ऐसी स्थिति में जो है हो गई है, ये घटना घट गई है, हम चाहते हैं कि हमें पूर्णतः न्याय मिले भाई। फिर हम धरने में बैठेंगे, और कोई रास्ता नहीं है, हम लोग गरीब लोग हैं, इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है, किसके खिलाफ जाएंगे, जो है पुलिस के जो है पागड़ा थाने में जाकर बैठेंगे सामने, वहीं धरना देंगे जाके, पागड़ा थाने के जाकर सामने धरना देंगे, फिर और क्या कर सकते हैं, कोई और रास्ता कोई हमारे पास है नहीं। वो लोग काफ़ी सक्षम है, पैसा अच्छा है, ज़मीन जायदाद है, इनके पास कुछ भी नहीं है घर के अलावा, छोटा सा घर है, बड़ा परिवार है, ये बेचारे मजदूरी करेंगे या मुकदमेबाजी लड़ेंगे। ये बागड़पुर ग्राम थाना पागबाड़ा में कल एक महिला की जहर खाने की वजह से मृत्यु हो गई है, जिसमें परिवार वालों ने उसके पति के ऊपर आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है, अभी इनमें से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी।